Hey guys, assalamu alaikum. I hope ke aap sab bilkul theek ho. It's been like a week I did not make any video because of this scenario was going on right now everywhere. Aur kuch jo thi wo main busy thi apni family ko aur apne aap ko prepare karne ke liye ye jo is time pe ho raha hai hum sab ke saath like everybody is worried about this corona thing. I think like it's really crazy. Aur bas Allah Taala se dua hai ki everybody should stay safe aur apna sab bahut khayal rakhe aur Allah Taala sabko apne aman mein rakhe. Lekin ye ki we should be like very very careful. Hamein bahut zyada ehtiyat karni hai, jaise sab bata rahe hain, TV pe bataya ja raha hai, messages mein bataya ja raha hai ki haath dhoye. To definitely jo hai wo aap log sab bahut acche tarike se haath dhoye, specially 20 minutes ke liye jo hai wo 20 second ke liye jo hai wo haath sabun se jo hai wo dhone chahiye. Aur jaise aap bahar se aaye, apni groceries ko jo bhi kuch sauda leke aaye usko bahar hi rakh dein, ya agar bahar nahi rakh रहे घर के अंदर लेके आ रहे हैं तो कोई एंटी बैक्टीरियल स्प्रे उसके ऊपर करें. अगर खाने पीने की चीज़ें हैं तो मेक श्योर उसको गर्म पानी से जो है वो धो के रखें. और पानी बहुत ज़्यादा पिएं, नीम गर्म पानी पिएं और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें. विटामिन सी लें, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है. आप ऑरेंजेस खाएं, ग्रेप्स खाएं, सिट्रस फ्रूट जो भी है वो खाएं, या फिर जो है वो फार्मेसी से जो वो राउंड टैबलेट्स ही होती हैं जो हम पानी में डाल के पी सकते हैं, या वो विटामिन सी की च्यू करने वाली होती हैं वो भी हम खा सकते हैं. इससे जो है वो इम्यून सिस्टम जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ होता है, हमारा स्ट्रांग होता है. और जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा वही ये कोरोना जो है वायरस इससे बच सकता है बस. और अल्लाह ताला सबको अपने अमान में रखे, मेरी दुआ है सबके लिए. और मैंने आप लोगों से क्या कहना था, और मैंने ये कहना था कि बच्चों को जो है लाइक हमें एज अ मुस्लिम तो वैसे ही सफाई का कहा हुआ है अल्लाह ताला ने कि सफाई निसफ ईमान है. हमारा आधा ईमान ही सफाई के ऊपर ख़त्म हो जाता है. तो मेक श्योर अपनी घर को बिल्कुल साफ रखें. ये एंटी बैक्टीरियल स्प्रेज इतनी होती हैं मार्केट में, अगर वो नहीं है तो आप थोड़ा ब्लीच जो है वो ब्लीच 99% बैक्टीरिया किल करता है. तो आप स्प्रे बॉटल के अंदर बिल्कुल थोड़ा सा ब्लीच, एक कप ब्लीच, एक कैप ब्लीच डालें और बाकी उसमें पानी डाल के उसको शेक करें तो आपके पास अच्छी खासी एंटी बैक्टीरियल स्प्रे जो है वो रेडी हो जाती है. मुझे भी यहाँ पे कहीं से एंटी बैक्टीरियल स्प्रे नहीं मिल रही थी तो मैंने इसी तरह ये एंटी बैक्टीरियल स्प्रे बनाई और ज़रा ब्लीच की स्मेल को ख़त्म करने के लिए मैंने एक कैप जो था उसके अंदर ज़फ्लोरा डाल दिया था. उससे बहुत अच्छी खुशबू भी हो गई थी और मैं अपने पूरे घर को जब से ये शुरू हुआ है उसी से ही साफ़ कर रही हूँ. वैसे भी मैं फ्लोर को मॉप करने के लिए ज़फ्लोरा यूज़ करती हूँ. तो बस और उसके अलावा जो है मैंने आप लोगों से कहना था कि कलवंजी, कलवंजी का हमें हदीस, कुरान और हदीस में हर जगह उसका जिक्र है. हदीस में हमें इतनी जगह बताया हुआ है कि मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज जो है वो कलवंजी में. हमारा ईमान अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रांग होना चाहिए, हमें बिलीफ होना चाहिए अल्लाह ताला के ऊपर. कलवंजी आसानी से हर जगह दस्तयाब है. अगर यूके में अगर आप लोग हैं तो जितनी भी एशियन शॉप्स हैं आराम से वहाँ से मिल जाती है. मैं भी जब ये अपने ग्रॉसरी शॉपिंग की थी ये कोरोना वायरस के लिए जब ज़्यादा थोड़ी चीज़ें एक्स्ट्रा ली थी तो मैंने एक पूरा पैक जो था वो बड़ा वाला 1 kg का कलवंजी का लेके मैंने रख लिया था. तो बच्चे क्योंकि वैसे नहीं खाते, वैसे तो मैं लेमन वाटर, लेमन को स्लाइस करके और नीम गर्म पानी में डाल के और साथ में मैंने थोड़ी सी उसमें कलवंजी भी डाल के रखी है. लेकिन बच्चों को क्योंकि वो पसंद नहीं है तो मैं इस वजह से जो है मैं आटे के अंदर भी डाल देती हूँ कलवंजी. सालन जो बना रही हूँ उसके अंदर भी डाल देती हूँ कि कहीं ना कहीं से जो उसकी क्या कहते हैं असर है वो बच्चों तक पहुँच जाए या हमारे तक पहुँच जाए. यूजुअली हमें भी ख़ुद को भी नहीं याद रहता. लेकिन ये कि बस अल्लाह ताला जो है वो शिफा देने वाला है. अस्तगफार हम लोग को एज़ अ मुस्लिम हमें बहुत ज़्यादा अस्तगफार करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इस मुसीबत से बाहर निकाले, हम इस परेशानी से बाहर आएँ और जल्दी से ये जो बीमारी फैल गई है वो ख़त्म हो. अब देखें ये जनाजों के ऊपर भी जो है अगर जो इस कोरोना वायरस से जिनकी डेथ हो रही है
उनका जनाजा भी जो है वो सही से नहीं पढ़ा जा रहा, लोग नहीं आ रहे क्योंकि ये इस वबाई बीमारी के डर से। तो ये भी जो है वो बड़े दुख की बात है कि हम अपने जो भी जिनकी भी डेथ्स हो रही हैं उनके जनाजों पे नहीं पहुंच पा रहे, सही से उनकी तदफीन नहीं कर पा रहे। तो एज़ अ मुस्लिम हमें जो है वो बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ा के दुआ करनी चाहिए और बहुत ज़्यादा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए कि अल्लाह हमारे ऊपर, क्योंकि हम हुज़ूर सल्लम की उम्मत में से हैं, अल्लाह ताला हमारे ऊपर इस तरह अज़ाब नहीं लेके आ रहा जिस तरह उसने पिछली कौमों पर ले के आए थे कि पूरी कौमों को ही ख़त्म कर दिया था। हमें बड़ी इस बात की फजीलत है कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। तो अल्लाह ताला हमें बस क्या कहते हैं, एक तरह छोटा सा झटका दे रहा है कि हम सीधे रास्ते पे आ जाएं और सही काम करें, सीधे रास्ते पर चलें और बेतहाशा अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करें। अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, हमें माफ़ करने वाला है। तो अगर हम इंशाल्लाह हम अगर तौबा करेंगे तो डेफ़िनेटली अल्लाह ताला जो है वो हमारी तौबा को कबूल करेगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सारी जो एडवाइसेस दी जा रही हैं हाथ धोने की, घर में रहने की, उन सबको प्लीज़ प्लीज़ फॉलो करें। ये सिर्फ़ आपके लिए नहीं, बाकी सबके लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग घर में बैठेंगे, अगर आपको सिम्टम्स हैं तो हो सकता है कि आपका नेबर जो है वो सेफ़ हो जाए, या अगर उनको सिम्टम्स हैं वो घर में रहें तो आप सेफ़ हो जाएं। यू नो, सबका ख्याल करना चाहिए। सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए, सेल्फिश नहीं होना चाहिए कि अगर मुझे सिम्टम्स हैं मैं ही क्यों अकेला मरूँ या मैं ही क्यों अकेली मरूँ, मैं सबको अपने साथ लेके मरूँगी, ये सोच नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला पे भरोसा रखें, ईमान मजबूत हो, सीधे रास्ते पर चलें, अपने बच्चों को जो है वो हिदायत करें कि बाहर, घर से बाहर ना जाएं, हाथ धोएं घर के अंदर। घर के अंदर करने के लिए बच्चों के माएँ बड़ी परेशान होती हैं, घर में एक्टिविटीज़ नहीं, घर के अंदर आप बेतहाशा बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। कितना अच्छा टाइम है हम बच्चों के साथ, उनकी सही तरबियत कर सकते हैं, उनको नमाज सिखा सकते हैं, उनको इस्लाम की हिस्ट्री बता सकते हैं, वैसे जनरल हिस्ट्री बता सकते हैं, उनकी मैथ्स इम्प्रूव कर सकते हैं, उनकी साइंस इम्प्रूव कर सकते हैं। लाइक कितनी चीज़ें हम घर में कर सकते हैं। पढ़ाई के अलावा बच्चों के साथ बेतहाशा गेम खेल सकते हैं, उनको इनक्रेज करें उनकी राइटिंग। मेरी बेटी जो है अमीलिया, उसको बड़ा, बड़ी वाली जो बेटी अमीलिया, उसको बड़ा शौक है लिखने का। यूजली स्कूल, ट्यूशन, इस तरह की चीज़ों, कुरान, इन क्लासेस के अलावा उसको ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा था लिखने का, लेकिन अब जब से वो घर पे है तो वो अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है। उसने एक दो पोइम्स लिखी हैं जो उसने अपनी स्कूल की वेबसाइट पे लगाई, तो माशाल्लाह उसके टीचर्स ने उसको अप्रूव किया और वो उन्होंने पब्लिश कर दी अपनी स्कूल की वेबसाइट पे। तो लाइक इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, टाइम, मेरी जो मिडिल वाली बेटी है टाइम टेबल्स में उसको थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो हम अब इस टाइम में, अब वो घर पे हैं तो टाइम टेबल के ऊपर काम कर रहे हैं। पेंटिंग आप उनको दें, उनको पेंटिंग सिखाएं, बच्चियों को या बच्चों को भी, इवन बुराई नहीं है बच्चों को भी खाना पकाना सिखाने में, बच्चों को आप साथ लगाएं, बेटे आप आज, आप ये दो कप पड़े हुए आपने वॉश करने, या आप अपने रूम को टाइडी अप करोगे या डस्टिंग आप करोगे, इस तरह की चीज़ें सिर्फ बेटियाँ नहीं बेटों को भी हमें सिखानी चाहिए, वो भी करें। तो बस यही कि घर के अंदर भी हम बहुत सारी एक्टिविटीज़, गार्डनिंग आप कर सकते हैं घर के अंदर रह के, पेंटिंग कर सकते हैं, कोई गेम्स खेल सकते हैं, कोई बोर्ड गेम खेल सकते हैं, बुक्स इतनी हैं वो पढ़ सकते हैं, इंटरनेट के ऊपर हमारे पास बेतहाशा मटेरियल जो है वो अवेलेबल है, वो हम बच्चों को सिखा सकते हैं। तो बस ये वीडियो बनाने का सिर्फ मेरा एक छोटा सा मकसद यही था कि मैं एक छोटा सा मैसेज जो है वो आप लोगों को दे सकूं कि स्टे एट होम, बी पॉजिटिव, स्टे सेफ, और अपने साथ साथ आप अपनी कम्युनिटी का भी ख्याल रख सकते हैं घर में रह के। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हम कर सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो मैंने लेमन वाटर बनाया, ये बस लेमन को, ये देखें, लेमन स्लाइसेस को काट के गरम, नीम गरम पानी, लाइक हाफ जो है वो गरम पानी ले लें और हाफ जो है आप ठंडा पानी इसमें डाल के, या नीम गरम पानी डाल के आप इसको पानी को पिएं, इंशाल्लाह इट विल बूस्ट अप योर इम्यून सिस्टम। विटामिन सी यू कैन हैव, मल्टी विटामिन्स बच्चों को भी दें, फ्रूट और फ्रेश वेजिटेबल्स, इट हेल्प टू बूस्ट योर इम्यून सिस्टम, मेक श्योर यू डू टेक दैट, एंड हैव सम कलवंजी इन योर फूड, एंड कीप योर ईमान स्ट्रॉन्ग, इस्तग़फ़ार करें। अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, इंशाल्लाह हम जल्द ही इस मुसीबत से बाहर आ जाएंगे अगर हम इन सब तदाबीर के ऊपर अमल करेंगे। And you guys just take care of yourself. May Allah keep all of you safe and keep you all in His iman, aman, and stay positive
and do astaghfar lazmi inshallah, and we will come out of it soon inshallah, and take care, bye.